गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह हो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से काठमांडू के लिए। बाइक रेडी हो गई है, ये होटल है, हमने चेकआउट कर लिया है। तो चलिए आपको आगे रास्ते में मिलते हैं। काठमांडू जा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं कितना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। अभी हम लोग जो है पहाड़ पे चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और ये जो रास्ता ये पूरा गोल गोल घूम घूम के जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा। और भाई इस साइड जितना ही नीचे है उस दूसरी साइड उतना ही ऊंचा है। अब जो है पहाड़ की जो चढ़ाई है वो स्टार्ट हो गई है, और रास्ता तो बाबा इतना खराब है क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना है तो ये रास्ता बनाना थोड़ा टफ होता है और कॉस्टिंग जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है। और आप लोग देख पा रहे भाई अभी ये स्टार्टिंग है, अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया चढ़ना, अभी बहुत ऊपर जाना, बहुत ही ज्यादा ऊपर। और रास्ता ऐसा ही है, तुम्हें अभी 4 से 5 घंटे हमें यही लगेगा, 4 से 5 घंटे हमें चढ़ने में लगेगा। कितने घंटे होगा? 3 घंटे नहीं होगा, ऐसे रास्ते है भाई 4 से 5 घंटे लग जाएंगे इजिली, बहुत आराम से। अरे उसके हिसाब से तो उसके हिसाब से एक्सप्रेस वे है ये। चलिए तो इनका कहने का मतलब ये है कि सीढ़ी है तो बहुत चालू चीज है, उसको पता है कि 3.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। चलिए बाबा देखते हैं आगे, और आप लोग भी देख पा रहे हैं भाई साहब जो व्यू है, जो लुक है वो काफी लगा हुआ है। मे भी भाई हम लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हैं वॉशरूम करने के लिए, और कुछ खाएंगे भी, देखते हैं कुछ खाते हैं। यहाँ ये छोटी सी शॉप है, आंटी का एक छोटा सा बच्चा भी है। तो गाइस हम लोग वहाँ रुकने के बाद से अब निकल लिए हैं, और ये आप लोग रोड देख पा रहे हैं। वीडियो में भले ही रोड उतनी ढलान ना दिख रही हो, बट बहुत ज़्यादा है चढ़ाई और रास्ते भी बहुत पतले हैं। मोड़ मोड़ पे तो भाई बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, कहीं कहीं पे तो चौड़े भी हैं, ठीक है, ओके ओके हैं, बट ये देखिए उतरे भाई, गाड़ी खड़ी हो गई थी, बहुत ही शानदार व्यू है भाई, बट बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, व्यू बहुत अच्छा है, साइड ऊपर है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो उतना ही गहराई दिखती जा रही है। गाइस अभी ऊंचाई पे तो एकदम टॉप पे नहीं पहुंचे हैं, अभी भी स्टिल चढ़ाई करनी है। और यहाँ पे लोग उतरते हैं, और इस साइड आप लोग देख पा रहे हैं भाई बहुत ही नीचे है, और जितना नीचे है उतनी गंदी चढ़ाई भी है यहाँ पे। अभी आप लोग यहाँ देख लीजिए टर्न ऐसा है, ऊपर से ढलान है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हैं, और ये स्तूपा है तो इसके वजह से हम लोग रुके हैं, फोटो वगैरह क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और आप लोग ये देख पा रहे हैं कितना, अरे कितना सुंदर नज़ारा है, नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये सारे रास्ते हैं, वहाँ बहुत ही पतला रास्ता है। अभी बाबा कितना सुंदर लग रहा है ये, हाँ कितनी अच्छी लग रही है, और वो माउंटेन्स हैं। तो वहाँ से रुकने के बाद से गाइस हम लोग निकल लिए हैं, और अभी तो ऊपर चढ़ रहे थे, अभी फिर ढलान है तो नीचे उतर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा नीचे उतर रहे हैं। और फिर जहाँ तक ये मुझे लगता है कि नीचे उतरने के बाद फिर से हमें ऊपर चढ़ना होगा। तो भाई सबसे पहले हम लोग वहाँ से वो जो एकदम टॉप वाला एरिया दिख रहा है वहाँ से पहले नीचे उतरे और फिर ऊपर चढ़ रहे हैं। और भाई यहाँ पे जो जगह जगह पे चढ़ाई है वो कुछ ज़्यादा ही स्टीफ है, तो भाई आराम से चलना है और सेफली, भाई हैवी ड्राइवर की तरह नहीं। यो गाइस आई एम हैवी ड्राइवर वाला नहीं सिस्टम करना है, क्योंकि घर से बहुत दूर भी है, दूसरी कंट्री में भी है,
सेफ साइड चलना जरूरी है। गाइस ये जो गीला वाला रोड आप देख रहे हैं, एक्चुअली में बारिश नहीं हुई है यहाँ। यहाँ साल के 12 महीने 365 दिन सिर्फ और सिर्फ ठंडी रहती है, पूरा छाया रहता है, इसकी वजह से जो है गीला दिख रहा है। यहाँ धूप आती ही नहीं है। जो एरिया थोड़ी गीली दिख रही है, रोड है, जो गीली रोड जहाँ है वहाँ साल के पूरे 365 दिन धूप नहीं आती है। और जहाँ धूप नहीं आती है भाई, वहाँ आप लोग समझ सकते हैं ठंडी कितनी ज्यादा होगी। तो गाइस ये काठमांडू के लिए रोड है, अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, आप लोग देख पा रहे हैं। और ये पूरी सिटी है, काफी बड़ी है, अलग अलग सिटीज है, ऊंचाई पे है तो इसको सारी दिख रही होंगी आप लोगों को भी। और जो रोड है अभी स्टिल कंस्ट्रक्शन में है, तो थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है, बट सही है क्योंकि इधर फोर व्हीलर्स नहीं आ रही हैं, तो थोड़ा सही है। तो फाइनली हम काठमांडू में आ चुके हैं। एक्चुअली ये काठमांडू की स्टार्टिंग सिटी है, स्टार्टिंग हुआ है अभी जस्ट। तो अभी हम लोग चलेंगे, होटल देख रहे हैं, फिर होटल पे रुकेंगे, फ्रेश होंगे, नहा धो के कुछ खा वा के फिर हम लोग निकलते हैं। देखते हैं, दो तीन जगह है घूमने वाली तो वहाँ चलेंगे। तो आज का हमारा स्टॉप काठमांडू में ही है, तो आगे भी आपको दिखाते हैं। मैं रिक्वेस्ट आप सबसे करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब बेल आइकन भूलिएगा मत। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं होटल, और ये होटल है कोणार्क इन। तो हम यहाँ स्टे करेंगे और जो रूम का चार्ज है वो 1800 रुपये था नेपाली, तो हम लोगों ने बुक कर लिया। आप सामान उतारेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद से आपको वीडियो में आगे भी दिखाएंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। तो हम लोग होटल से निकलने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर आए हुए हैं, और हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है 200 रुपये का है बाबा, 200 नेपाली। और ये मंदिर है, चलिए अगर अंदर का पॉसिबल होगा तो वो भी दिखाएंगे। ये जो है पशुपतिनाथ बाबा मंदिर का जो है मेन द्वार है, अब इसके अंदर का नहीं पता, फ़ोन अलाउ करेंगे या नहीं यूज़ करने के लिए, देखते अगर पॉसिबल होगा तो वो भी दिखाते हैं। नेपाल की सबसे मतलब काठमांडू की फेमस जगह है। तो गाइस पशुपतिनाथ मंदिर से हम लोग निकल के होटल पे वापस अपने बाइक को खड़ी किए, और अभी जो है पैदल हम लोग जा रहे हैं समोसे खाते हुए। अभी होटल है, जा रहे देखते कुछ खाने के लिए बाहर मिलता है तो ठीक है, वरना फिर वापस सबको होटल पे खाएंगे। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं आगे।